सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी सुबह सुबह नहा ली हूँ। ये भी नल चल रहा है और नहाने के पहले ठंडी लगती है, मगर नहा लीजिए तो ठंडी नहीं लगती है। तो बस मैं अभी नहा ली हूँ और अभी जस्ट फिर जाती हूँ और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय क्या मैंने बनाई, क्या चढ़ा दी है, पक रही है, तो बस अभी चाय पीऊँगी। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए और आज बहुत ठंडी है, ये हमारी चाय पक रही है जी। देखिए और यहाँ मैंने ये देखिए दलिया बना के रख दिया है, जैसा कि मैं सुबह दलिया हमारे यहाँ पकती है। और ये दाल पक गई है और ये मैं कद्दू है, तो इस कद्दू की सब्जी आज बनाऊंगी सूखी। तो बस ये गाइड्स मेरी चाय पक रही है और मैं चाय पीऊँगी। और बहुत ठंडी है आज, तो मैं ये गर्म सूट लाई थी तो मैं ये गर्म सूट पहनी हूँ और सच में इसमें गाइस ठंडी नहीं लगती है, गर्म रहता है। तो मैं सोचा चलिए सुबह नहा लेते हैं और कोई हमारे यहाँ गेस्ट आया है तो बस मुझे खाना आज जल्दी बनाना है। तो आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी और आप लोग भी पढ़े रहिए भाई, ठंडी है बहुत ज़्यादा और कोहरा भी आज किया है, रात से ही कोहरा है। तो ठीक है अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी देर पहले अभी चाय पीती हूँ क्योंकि शरीर को गर्म करने के लिए चाय चाहिए। तो ठीक है अभी आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। ये देखिए तो मैं अभी गर्म पानी पी रही हूँ कि ठंडी बहुत है और सुबह सुबह मेरा अर्ली मॉर्निंग रोज का नियम है और मैं ये गर्म पानी पीती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना भी चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है जो है। तो बस मैं अभी गर्म पानी पी रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी काटूँगी और गाय चाय बना के पीऊँगी। तो ठीक है मैं आप लोगों से फिर दोपहर में अभी मिलती हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत जल्दी है तो खाना बनाना है और छोटे वाले बेटे को भी कॉलेज जाना है। तो ठीक है मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, तो बस अभी मैं सारा काम करके फुर्सत हुई हूँ, खाना बनाई हूँ और सुबह सबको दिया मैंने खाना, सब लोग खा लिए और अभी मुझे भी भूख लगी थी तो बस मैं अभी लेकर के खाना बैठी हूँ। और चावल की भी दोपहर में इस समय अगर दी खाने की इच्छा होती तभी हम गरम गरम चावल बनाते हैं। तो बस ये देखिए मैं अपनी थाली लगा ली हूँ, चावल रोटी दाल और कोहड़े की सब्जी। जैसे मैंने बताया था कि मैं सुबह कोहड़े की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो बस अब खाना खा लेते हैं। तो और अभी छोटा वाला बेटा नहीं आया है क्योंकि आज उसका प्रैक्टिकल है, तो अभी वो कॉलेज में ही है। तो मैं सोची चलिए मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे दवा खानी है। और आज तो धूप बिल्कुल नहीं निकली है, बहुत ठंडी है, बाहर तो बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा है और धूप तो होगी ही नहीं, अभी नए साल तक ऐसे ही करेगा क्योंकि फिर माघ भी आ रहा है तो उसमें तो खैर मौसम और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी तो 2 महीना ये तो बहुत जम के ठंडी पड़ने वाली है। और कल जैसा कि मैं जो है एक बच्चे के लिए इनर ले आई थी तो वो इनर उसको छोटा है, तो देखिए अभी आज समय मिलता है तो मैं उसको चेंज करने जाऊंगी। तो अभी बेटा आ जाएगा तभी जाऊंगी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए जाने का समय मिलेगा तो फिर हम जाएंगे। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से अभी थोड़ी देर बात कर लेते हैं और मुझे भूख भी लगी है। तो अभी मैं जस्ट चावल बनाई हूँ, बहुत गरम गरम है अभी, तो गरम ही गरम राइस खाने का मन करता है ठंडी में। और हम लोगों के यहाँ बजरा भी बनता है कभी कभी, हमारे यहाँ हमारे जो है सास ससुर और हमारे हस्बैंड बजरा खाने के बहुत शौकीन है। तो अभी तो फिलहाल नहीं बना है, लेकिन क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है कि बजरा बनाने में टाइम लगता है, तो देखिए संडे को बनाएंगे। तो और हमारे यहाँ वैसे कोई चावल नहीं खाता, हम ही खाते हैं और चावल के लिए मुझे डांट भी बहुत पड़ती है, डॉक्टर भी मना किए हैं, लेकिन मेरा चावल से बगैर चावल के पेट नहीं भरता। तो मैं थोड़ा सा तो खाऊंगी ही, तो मैं गरम गरम एक रोटी और चावल और दाल सब्जी ली हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो बस मैं खाने जा रही हूँ, तो ठीक है मैं आप लोगों से अभी जो है फ़ोन अभी रखती हूँ, बाद में आप लोगों से फिर मिलूँगी, बाय बाय।